दोस्तों, वेलकम टेक्निकली सितार यूट्यूब चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा होस्ट गेटर के बारे में। यहां से आप वेब होस्टिंग कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। यहां पे डिफरेंट टाइप की आपको होस्टिंग मिल जाएगी। वेब होस्टिंग के लिए, क्लाउड के लिए, वर्डप्रेस के लिए, रीसेलर, वीपीएस के लिए और डेडिकेटेड सर्वर के लिए, वो भी कम प्राइस में। अगर आप यहां से इंटरेस्टेड हो और आप खरीदना चाहते हो तो यहां पे कम ही दामों में खरीद सकते हो। अगर आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको एक होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। अगर आप एक नए है, बिगिनर है, तो यहां पे होस्टगेट स्टार से अपने सर्वर को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हिंदी में वेबसाइट है आपकी तो यहाँ पे इंडिया को सेलेक्ट करिए, इससे आपकी जो स्पीड है वो काफी अच्छी हो जाएगी। अगर आप बिगनर है तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा आप इंडिया को चूज करिए। वैसे आप यूएसए के लिए भी कर सकते हैं अगर आपकी वेबसाइट इंग्लिश में है। वेब होस्टिंग आप कई तरह से परचेज कर सकते हैं, बट अगर आप बिगनर है तो स्टार्टर पे आप क्लिक कर दीजिए और अपने प्लान के हिसाब से इसको सेलेक्ट करके बाय नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो जो मिलने वाला है वो यहाँ पे साफ साफ लिखा है। और बाय नाउ पे अगर आप यहाँ से परचेज करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, यस कर दीजिए यहाँ पे और अपनी वेबसाइट का यहाँ पे लिंक डाल के और जो भी आपको बेनिफिट चाहिए होता है और यहाँ पे कंटिन्यू करके आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए या फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, इनको कॉल कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कि 717 रुपए का आपको एक वाउचर दिया गया है जिसकी मदद से आपको काफी डिस्काउंट मिल जाता है। अब बात करने वाले हैं 4000 घंटे का वॉच टाइम के बारे में। कई सारी ऐसी बातें होती है जो एक नए क्रिएटर को नहीं पता होता है, कई सारे ओल्ड क्रिएटर को भी नहीं पता होता है। तो ये वीडियो जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि हो सकता है जो और यूट्यूबर के साथ दिक्कत आती है और बेफालतू में बेवजह उनके एडसेंस जो है डिसेबल हो जाते हैं या फिर उनका चैनल जो है अंडरव्यू में जाके अटक जाता है या रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपके 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है या होने वाला है तो यहाँ पे आपको 7 पॉइंट जो है याद रखने हैं, क्योंकि इससे आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले होता है जब आपका चैनल अंडरव्यू में जाता है तो यूट्यूब चेक करता है कि आपके यूट्यूब चैनल पे कितना कॉपीराइट क्लेम है। अगर आपके पास ज्यादा कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है तो ऐसे में वीडियोस आपको डिलीट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कॉपीराइट ज्यादा है, हद से ज्यादा का मतलब है अगर आपके पास 60% है, 70% है, यहां तक कि 80% अगर आपके चैनल पे कॉपीराइट क्लेम की वजह से वॉच टाइम आया है तो आपका चैनल अंडरव्यू में जाएगा नहीं, चला जाएगा बट वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आपकी खुद की आवाज और खुद का फेस होना चाहिए। कॉपीराइट क्लेम को या तो आप रिमूव कर सकते हो या फिर उसको डिलीट आपको करना पड़ेगा। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट के बारे में, इसको बोलते हैं क्रिएटिव कॉमन वीडियो। क्रिएटिव कॉमन्स वीडियो जो होती है ये एक्चुअली पे इनपे कोई स्ट्राइक नहीं होती है और न ही इनपे कोई क्लेम होती है, पर ये अंडर रिव्यू के लिए सबसे खतरनाक वीडियो होती है। हमें लगता है कि वॉच टाइम हमें गेन कर लिया किसी की भी वीडियो डाल के, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। आपकी क्रिएटिव कॉमन वीडियो पे ही काफी ज्यादा वॉच टाइम आया हुआ है तो ऐसे में यूट्यूब ये भी चेक करता है कि आपके सबसे ज्यादा जो व्यूज आए हुए हैं वो किस वीडियो पे है। इसीलिए आपको ये जरूर चेक करना पड़ेगा जो मेरी सबसे ज्यादा व्यूज वाली वीडियो है वो क्रिएटिव कॉमन तो नहीं है। अगर है तो आपको वो वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका यूट्यूब चैनल अंडर व्यू में जाके रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रियूज की वजह से प्रॉब्लम आती है। हाँ, अगर क्रिएटिव कॉमन की वीडियो आपके पास सिर्फ 1-2 है और उनपे ज्यादा वॉच टाइम नहीं है और वीडियो से आया हुआ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों, बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। जब यूट्यूब चैनल अंडरव्यू में जाता है तो यूट्यूब ये भी चेक करता है कि किस वीडियो पे कहां से वॉच टाइम ज्यादा आ रहा है। अगर आपने वॉच टाइम खरीदा है तो ऐसे में आपका यूट्यूब चैनल अंडर रिव्यू में जो है जाके अटक जाएगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वॉच टाइम खरीदा हुआ या फिर अगर आपने एड से प्रमोट किया है वो वॉच टाइम काउंट नहीं होता है। अगर वॉच टाइम खरीदा हुआ काउंट तो जरूर होता है, पर वो रिव्यूज कंटेंट में आने के बाद में आपका यूट्यूब चैनल को रिजेक्ट कर देते हैं। तो आप कभी भी किसी भी साइट से वॉच टाइम को बिल्कुल परचेज नहीं करना, नहीं तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, इसको बोलते हैं कि जब आपका यूट्यूब चैनल अंडर रिव्यू में जाने वाला होता है और अप्लाई आप करते हैं तो ऐसे में आपको पहले ही ये चेक कर लेना चाहिए क्या मेरे इस ईमेल आईडी पे एडसेंस बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। आपको ये चेक करना नहीं आता कि इस ईमेल आईडी पे एडसेंस बना हुआ है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको जाना पड़ेगा अपनी ईमेल आईडी की सेटिंग पे और वहां पे जाने के बाद में आपको एक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। वहां पे जाने के बाद में सेटिंग पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि आपका एडसेंस बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। ये काफी यूट्यूबर ये गलती करते हैं,
नहीं तो फिर आपको डबल एडसेंस की प्रॉब्लम या मल्टीपल एडसेंस की प्रॉब्लम आ जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। जब आप एडसेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि आपका जो ईमेल आईडी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। अगर 18 साल से कम है तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, आपका एडसेंस बंद तो जाएगा पर वो वेरीफाई नहीं होगा, क्योंकि आपके यूट्यूब चैनल की जो डेट ऑफ बर्थ होती है, ईमेल आईडी की डेट ऑफ बर्थ होती है, वो वहां पे रजिस्टर हो जाती है। और इसकी वजह से जब भी आप अप्लाई करते हैं वेरिफिकेशन पिन के लिए या वेरीफाई डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए तो आपका एडसेंस वेरिफिकेशन जो है फेल हो जाता है। सिर्फ रीजन क्या रहता है, एज फैक्टर रहता है, क्योंकि एडसेंस ये बोलता है कि 18 साल या 18 साल से ऊपर होना चाहिए वही बंदा एडसेंस बना सकता है। याद रखिए, जब भी आप एडसेंस अकाउंट को वेरीफाई करते हैं तो आपको आधार कार्ड छोड़ के सारे डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर कार्ड आईडी, ठीक है, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, पर आधार कार्ड का बिल्कुल भी यूज नहीं करना। बात करते हैं यहाँ पे बैंक अकाउंट के बारे में। कई सारे यूट्यूबर का ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर मेरा जो बैंक अकाउंट है वो मेरे नाम से नहीं है, क्या मैं अपनी मम्मी पापा या भाई का या दोस्त का लगा सकता हूँ? बिल्कुल, यहाँ पे अगर किसी के भी नाम से आपका एडसेंस अकाउंट बना हुआ है, सपोज करो मेरे नाम से बना है इसरार मलिक के नाम से, तो मैं अपनी वाइफ का भी यूज कर सकता हूँ, अपने बेटे का बैंक अकाउंट यूज कर सकता हूँ, अपने पापा कर सकता हूँ, अपनी मम्मी कर सकता हूँ, ये हम कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैंने अपना एक एडसेंस अकाउंट है उसमें अपनी वाइफ का लगा रखा है, तो इस तरह से कोई भी दिक्कत नहीं आती। उम्मीद करता हूँ ये सारे फैक्टर आपको समझ आए होंगे। अगर समझ आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।